ब्लॉकेज की कॉज क्या हो सकती है ड्यू टू क्लॉट और एडिमा? इंट्राक्रेनियल हेमरेज कौन कौन से होते हैं? सब और एपी कहते हैं हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। कीमिया में हमें ब्रेन टिश्यू थोड़े डार्कर नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिंग टेक स्टडीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट कॉमन हेमरेजिक एंड इस्कीमिक साइंस इन सीटी ब्रेन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेमरेज और इस्कीमिक कहते किसे हैं। हेमरेज किसे कहते हैं? डैमेज ऑफ ब्लड वेसल, ब्लीडिंग ऑफ ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाए, मतलब ब्लड वेसल फट जाए, हेमरेज की कॉज क्या आ जाएगी? ड्यू टू ट्रोमा, फॉल। इस्कीमिक किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गन में ब्लड या ऑक्सीजन सही से ना जा रहा हो, मतलब कि ब्लड वेसल के अंदर कोई ब्लॉकेज हुआ है। ब्लॉकेज की कॉज क्या हो सकती है? ड्यू टू क्लॉट और एडिमा। पहले हम हेमरेज साइन देख लेते हैं कि सीटी ब्रेन में कैसे नजर आते हैं। हेमरेज दो तरह के नजर आते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट वो होता है जो रिसेंटली हुआ हो, जो अभी हुआ हो। क्रॉनिक वो होता है जो पुराना हो। एक्यूट हेमरेज अब हमें सीटी स्कैन में कैसे नजर आएगा? जहाँ पे हेमरेज होगा वो एरिया हमें ब्राइट नजर आएगा। अगर ये क्रॉनिक हेमरेज होगा तो जहाँ पे हेमरेज हुआ होगा वो एरिया हमें डार्क नजर आएगा। हम बात कर लेते हैं कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज कौन कौन से होते हैं। इंट्राक्रेनियल हेमरेज बताने से पहले मैं आपको ब्रेन की लेयर्स बताती हूँ। इसकी तीन लेयर्स होती हैं जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। पहली होती है ड्यूरा मैटर, जो बिल्कुल स्कल के नीचे होती है, उसे कहते हैं ड्यूरा मैटर। उसके बाद आती है एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड के बाद आती है पाया मैटर। इन तीन लेयर्स को हम मेनिंजेस कहते हैं। अब मैं दो लफ्ज यूज करूंगी, सब और एपी। एपी का मतलब होता है ऊपर और सब का मतलब होता है नीचे। अब हम देखते हैं कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज कौन कौन सी होती हैं। नंबर वन, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। सब एरेक्नॉइड हेमरेज का मतलब कि एरेक्नॉइड सेकेंड वाली लेयर होगी और सब उसके नीचे। मीन्स सब एरेक्नॉइड हेमरेज कहाँ पे है? मतलब एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और पाया मैटर के दरमियान। सब एरेक्नॉइड हेमरेज सीटी फाइंडिंग में जो ब्लड है वो हमें बेजिलर सिस्टर्ने एट द बेस ऑफ द स्कल, वहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस लोकेट करता है। अपीयर कैसा होगा? स्मॉल हाइपर डेंस ट्रायंगल। सब एरेक्नॉइड हेमरेज मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन की वजह से होता है और इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? सीवियर हेडेक। पेशेंट जो कम्प्लेन करेगा वो कहेगा वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। एपीड्यूरल, एपी मतलब ऊपर, ड्यूरा मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर, मींस ड्यूरा मेम्ब्रेन और स्कल के दरमियान में। कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होती है तो हमें एपीड्यूरल हेमाटोमा होता है। एपीड्यूरल हेमाटोमा सीटी स्कैन में हमें ऐसे नजर आता है। इसकी जो शेप है वो कन्वेक्स और लेंस की तरह शेप है। एक्यूट एपीड्यूरल हेमाटोमा हमें हाइपर डेंस नजर आएगा। सबड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल मतलब के ड्यूरा मेम्ब्रेन के नीचे, मींस ड्यूरा मेम्ब्रेन और एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के दरमियान में। हेड ट्रोमा से अगर ब्रिजिंग वेन्स जो है वो रप्चर हो जाए तो हमें सबड्यूरल हेमाटोमा हो जाता है। सबड्यूरल हेमाटोमा मोस्ट कॉमनली ओल्डर पेशेंट्स में होता है। सबड्यूरल हेमाटोमा सीटी स्कैन में हमें ऐसे नजर आता है। ये होता है क्रीसेंट शेप या फिर कनकेव शेप होती है। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज साफ पता चल रहा है कि वेंट्रिकल्स के अंदर जो हेमरेज हो रहा है उसे हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ये हमें सीटी स्कैन में ऐसे नजर आता है। अगर ये एक्यूट इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है तो हमें सीटी स्कैन में ये ब्राइट नजर आता है, वेंट्रिकल्स के अंदर हाइपर डेंस नजर आता है। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की वजह से जो वेंट्रिकल्स है उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से हाइड्रोकेफलस हो जाता है। पिटिकियल हेमरेज, ब्रेन टिश्यूज के अंदर मल्टीपल स्मॉल पिन पॉइंट साइज्ड एरिया की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसे हम पिटिकियल हेमरेज कहते हैं। पिटिकियल हेमरेज सीटी स्कैन में हमें ऐसे नजर आता है। मल्टीपल स्मॉल साइज में हमें जो टिश्यूज है वो हाइपर डेंस नजर आते हैं। पिटिकियल हेमरेज को इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज भी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक वाले। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेज हुई होती है। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट थ्रोम्बोलिटिकल थेरेपी करवा लेना तो क्या होता है, वो ब्लड वेसल फट जाती है जिससे जो पेशेंट है वो हेमरेज की तरफ चला जाता है और इसे हम कहते हैं हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेडियोलॉजिकल साइंस ऑफ इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल। कोई भी ऑर्गन में ब्लड या ऑक्सीजन सही से नहीं जा रही, मतलब उसकी ब्लड वेसल जो जा रही है उसमें कोई ब्लॉकेज हुई है। ब्लॉकेज ड्यू टू क्लॉट, एडिमा। बात कर लेते हैं कि इस्कीमिया हमें सीटी स्कैन में कैसे नजर आता है।
अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और सीटी स्कैन हमें नॉर्मल आ रहा है फर्स्ट 24 आवर्स में, मींस वो पेशेंट इस्केमिक हेमरेज का है। फिर 24 आवर बाद सीटी स्कैन में हमें जो पिक्चर है वो हाइपोडेंस नजर आएगी, क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो कम हो रहा है और टिश्यूज में एडिमा हो रहा है। इस्केमिया में हमें ब्रेन टिश्यू थोड़े डार्कर नजर आएंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल टिश्यू। देन हमें ग्रे और व्हाइट मैटर जो होता है, जो उसका डिफरेंट शेड है, वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। देन जो सल्काई है, जो ग्रूव्स है, उनकी अफेसमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर इस्केमिक वाला पेशेंट 3 दिन बाद आता है तो फिर हमें उसकी पिक्चर वेज शेप नजर आती है। वेज शेप या फिर एम्बोलिक स्ट्रोक की वजह से आती है या फिर कार्डियक और प्रोक्सिमल आर्टरी एम्बोलस की वजह से। अगर आपको सीटी स्कैन की मुकम्मल वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके आप सुन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।